हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इंस्पिरेशन आर्ट्स। मेरा नाम है सौरभ सर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे बना सकते हैं ये ब्यूटीफुल वाटर कलर पेंटिंग ऑफ अ सोल्जर इन जस्ट फ्यू स्टेप जस्ट यूजिंग अ कैरेट्स ड्राइंग। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, सबसे पहले इस टेक्निक का कॉन्सेप्ट ये है कि हम सबसे पहले कैरेट के शेप से हमारे पूरे ह्यूमन फिगर का एक बेसिक फॉर्म सेट कर लेते हैं। एक बेसिक फॉर्म सेट करने से ये होता है, उसके बाद जो हम डिटेल्स अपने फॉर्म में ऐड करेंगे उससे काफ़ी प्रोपोर्शनल और काफ़ी आसानी से हम कोई भी ह्यूमन फिगर या कोई और फिगर बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि एक कैरेट को डिज़ाइन कर लिया अपने ह्यूमन के शेप के हिसाब से। आप कोई भी रैंडम कैरेट बना सकते हैं अपने फिगर के जो रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से। मैंने भी बस एक रैंडम कैरेट बना लिया है। इसके बाद हमें शोल्डर को उसमें प्लेस करना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कैरेट कैसा होता है, सिंपल, बस ऊपर एक रेक्टेंगुलर टॉप और नीचे से एक ट्रायंगुलर बेस। इससे हमारा पूरा कैरेट बन जाता है, बस थोड़ा सा फॉर्म ऑर्गेनिक होना चाहिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं जो ऊपर का रेक्टेंगुलर टॉप है उसे मैंने जो शोल्डर के हेड और हेलमेट के लिए यूज़ किया। हेलमेट के लिए यूज़ करने के बाद जो कैरेट का जो ऊपरी हिस्सा था ट्रायंगल का, उसको मैंने जो हमारे ह्यूमन है उसके शोल्डर्स में बदल दिया। उसके बाद जो हमारा बेसिक फॉर्म था कैरेट का, उसके ऊपर ही हम आउटलाइन करते हैं अपना जो शर्ट का शेप है। तो हमने क्या किया, काफ़ी आसानी से बस अपने शर्ट के शेप को उस कैरेट के ऊपर अच्छे से आउटलाइन कर दिया। उसके बाद हमने हाथ के लिए आउटलाइन बना दिया, वो बस सेपरेटेड है हमारे शोल्डर से, मतलब कैरेट से, लेकिन वो हाथ बनाने के बाद हमें पूरा एक ह्यूमन का शेप दिखने लगता है। उसके बाद हम नीचे का पैर बना देते हैं जो कि काफ़ी आसानी से जो कैरेट के लाइनिंग थी उससे अलाइन कर जाता है और हमें कुछ ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, बस नेगेटिव स्पेसेस पे ध्यान देने पड़ते हैं जो कि दो लेग्स के बीच में है। उसके बाद हमने दूसरा हैंड और गन बना दिया जो कि सोल्जर के हैंड में था। उसके बाद हमारा सोल्जर बिल्कुल रेडी है ड्राइंग के साथ। तो देखा दोस्तों आपने कि मैंने कैसे कितनी आसानी से बस एक कैरेट के सिंपल सिलवेट से पूरी एक फिगर ड्राइंग बना दी। तो इसी तरह से आप कोई भी फिगर ड्राइंग बना सकते हैं। इसके बाद आता है आसान काम जो कि है कलरिंग करना। इसमें हम यूज़ कर रहे हैं आर्टिस्ट वाटर कलर। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि पूरे पेपर को वाटर से वॉश कर दिया, मतलब वेट कर दिया पूरे पेपर को, और उसके ऊपर हमारे जो इंडियन फ्लैग है उसके कलर्स को स्प्रेड कर दिया। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप्स पे। क्योंकि हमारा फर्स्ट लेयर हो चुका है और ड्राई हो चुका है, मैंने इसको रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि इसे ड्राई होना था फर्स्ट स्टेप को, ताकि हम नेक्स्ट स्टेप्स कंटिन्यू कर पाए। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप के कंप्लीट होने के बाद हम फिर से सेकेंड स्टेप करते हैं अपने स्काई के ऊपर और बैकग्राउंड के ऊपर, क्योंकि ये वाटर कलर का वॉश जो है वो काफ़ी स्मूथ होता है लेकिन टाइम के साथ वो डल हो जाता है। तो हमें दो तीन स्टेप्स करने पड़ते, दो तीन लेयर्स देने पड़ते उसमें। तो सबसे पहले फिर से हमने एक वर्मिलियन टाइप का कलर यूज़ करके पूरे जो हमारे स्काई थे उसमें स्प्रेड किया और काफ़ी अच्छे से एक कलर कॉन्ट्रास्ट बना लिया। उसके नीचे ग्रीन कलर से भी हमने काफ़ी एक अच्छा सा कॉन्ट्रास्ट बना लिया कलर का, जो कि काफ़ी ब्राइट लगे और दिखने में सबको अच्छा लगे। आप देख रहे होंगे कि हमने जो एजेस थे ऊपर के उसमें हमने थोड़ा सा वायलेट कलर भी यूज़ किया, जो कि एक रेड का ही पार्ट है। रेड जो वार्म कलर्स है उसमें वायलेट भी यूज़ होता है। तो हमने क्या किया कि एक अच्छा सा डार्क लुक देने के लिए बैकग्राउंड में, जैसे कि शाम हो रही है वैसा लुक देने के लिए, हमने ऊपर में हल्का सा वायलेट कलर से जो ब्राइट एक हल्का सा वायलेट है उसको यूज़ करके हमने हमारे जो सीन है उसमें थोड़ा सा ड्रामा लाया। उसके बाद हमारा काम आता है सोल्जर को कलर करने का। तो दोस्तों, आपको इसमें थोड़ी सी पेशेंस की ज़रूरत होगी क्योंकि ये लेयर्स को ड्राई होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है और आप इसे थोड़ा सा सूखने दें ताकि हमारे सोल्जर्स पे जब हम कलर करेंगे वो पूरी तरह स्प्रेड ना हो हर जगह पे। थोड़ा सा ड्राई होने के बाद हमने क्या किया कि हमने थोड़ी सी ग्रीन कलर, जो एक सैप ग्रीन काइंड ऑफ कलर यूज़ करके पूरे शोल्डर का फिगर था उस पर स्प्रेड कर दिया, और जो जो फ्लैश के पार्ट थे उसमें हमने ब्राउन कलर किया। इस तरह से हमने एक बेसिक जो
कलर कोऑर्डिनेशन था हमारे पूरे फिगर का वो हमने सेट कर लिया। इसके ऊपर हम जो भी डिटेल्स देंगे दिखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। हमने जब ये सोल्जर सूख गया, जो हमारा जो फिगर का सिलवेट था वो सूख गया, उसके बाद हमें दूसरी काम पे जाना है। जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हैं कि हमने अपना पूरा फिगर का सिलवेट जो एक था उसको हमने एस्टेब्लिश कर चुके हैं, और इसके बाद हमारा नेक्स्ट काम आता है जो कि हमारे जो स्काई का और बैकग्राउंड का थर्ड लेयर है। थर्ड लेयर भी हमें देना ज़रूरी है ताकि हम और एक अच्छा सा कॉन्ट्रास्ट दे पाए, क्योंकि आप देख रहे होंगे कलर धीरे धीरे काफ़ी डल हो जाते हैं, तो तीन लेयर्स के बाद वो काफ़ी ब्राइट लगता है। आप देखिएगा, अगर आपने पहले लेयर में ही स्टॉप कर दिया तो उतना एक ब्राइट लुक नहीं आ पाएगा थोड़ी देर के बाद, इसलिए हम थर्ड लेयर देना काफ़ी अच्छा समझते हैं। इसके बाद हमने क्या किया कि एक डार्क कलर का जो ब्राउन है उसको हमने मिक्स किया, और हमारे जो शोल्डर के मेन फीचर्स और शेडोज़ को दिखाने में वो हमें हेल्प करेगा। लेकिन जैसा कि आपने काफ़ी ड्राइंग्स में देखा होगा कि हम पूरे जो शोल्डर है उसको ब्लैकआउट कर देते हैं बैकग्राउंड के सामने, वो ठीक है काफ़ी आसान दिखेगा, लेकिन उससे एक कैरेक्टर नहीं आएगा हमारे शोल्डर में। तो हमने क्या किया, सो पूरी तरह से ब्लैक नहीं किया, ज़्यादातर पार्ट हमने उसमें ब्लैक रखे, लेकिन हमने जो साइड के एजेस थे उसको कलरफुल रखे, और जो एक सिलवेट था कपड़े का, एक जो क्या कहते हैं फोल्ड्स थे कपड़े के, उसको भी हल्के से हमने बस उसमें हल्के से उसके मार्क्स दिखाए। हमें पूरी डिटेलली नहीं करनी, बस हल्के से उसमें मार्क्स दिखाने हैं ताकि सबको समझ में आए कि यहाँ पर भी कुछ है। तो ऐसे ही धीरे धीरे छोटे छोटे डिटेल्स हम ऐड करते गए, थोड़ी बहुत हमने उसमें डिटेलिंग की। लास्ट में जब हमारा स्काई सूख गया तो हमने उसमें व्हाइट एक्रेलिक कलर से स्टार्स बना दिए थोड़ी सी और हाइलाइटिंग के लिए। उसके ऊपर हमने फिर से एक बार और स्काई में कलर दे दिया जो कि स्टार्स को और ब्राइटली हमें दिखाने लगे। इसी तरह से थोड़ी और फिनिशिंग टचेस के साथ हमने कंप्लीट कर लिया अपने ड्रॉइंग को। दोस्तों देखा आपने हमने कितनी आसानी से बस एक कैरेट के सिलवेट को यूज़ करके एक बहुत ही अच्छी सी पेंटिंग काफ़ी सिंपली बना ली। तो इसी तरह के पेंटिंग वीडियोस और वाटर कलर वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन कमेंट ज़रूर करना कि आपको क्यों ये अच्छी नहीं लगी या अच्छी लगी। तो थैंक यू आज के लिए एंड गुड बाय।